गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। चलिए शुरू करते हैं अपना रिवीजन फॉर पीजीबीपी। हमने ऑलरेडी एक क्लास कर ली थी जहां पर मैंने आपको बेसिक बातें बताई थी चार्जिंग सेक्शन के बारे में, पीजीबीपी के बारे में जाना था सेक्शन 28, किस तरीके से हम पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट कर रहे हैं 29, और फिर हम सेक्शंस कर रहे थे कि व्हाट आर द डिडक्शंस जो अवेलेबल होती हैं पीजीबीपी में, कहां से कहां तक सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 30 से लेकर 37 तक, जिसमें से हमने कुछ सेक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। आगे के सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। एक बार अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो हम लोग ये पार्ट कर रहे हैं जहां पर सेक्शन 30 से लेकर 37 तक आते हैं, डिडक्शंस अलाउड अंडर पीजीपीबी। सेक्शन 30 बिल्डिंग्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, 31 प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का रिपेयर्स और इंश्योरेंस का खर्चा, अगर रेंट ऑफ फर्नीचर है या रेंट ऑफ मशीन है तो वो हम लोग 37 में देखेंगे, बट 31 में सिर्फ और सिर्फ रिपेयर्स और इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मशीनरी और फर्नीचर अलाउड होता है। 32 में हमने डेप्रिसिएशन की बातें की थी, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी देखा था, बट प्लीज माइंडेड कि एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल स्कीम में मिलता है, डिफॉल्ट स्कीम में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अपोर्शनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन याद है, अगर सक्सेसर प्रेडिसेसर चेंज होता है सक्सेसर में, रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो नंबर ऑफ डेज यूज्ड बाय बोथ ऑफ देम उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते थे। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है, और पावर जनरेटिंग यूनिट के लिए भी हमने देखा था कि वो SLM से भी डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं और किस तरीके से वो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और अगर कभी भी कोई पावर जनरेटिंग वाला एसेट जिसके ऊपर SLM डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था अगर हम उसको बेचते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सो वी हैव कवर्ड सेक्शन 32 सो फार। अब हम आगे के सेक्शंस की बातें करते हैं, ठीक है। आज की लेक्चर में मैं बाकी के सेक्शंस का आपके साथ डिस्कस करूंगा। सेक्शन 35, सेक्शन 35 होता है साइंटिफिक रिसर्च का। इनकेस असेसी एक बिजनेस असेसी है या प्रोफेशनल कैरी कर रहा है, पीजीबीपी की इनकम आ रही है, तो अगर वो कंट्रीब्यूट करता है टूवर्ड साइंटिफिक रिसर्च तो उसको डिडक्शंस मिल सकती है साइंटिफिक रिसर्च की। दो तरह की रिसर्च होती है, एक तो इनहाउस रिसर्च जो वो अपने बिजनेस से रिलेटेड करता है, और दूसरी होती है आउटसाइड रिसर्च। आउटसाइड रिसर्च माइट बी और माइट नॉट बी रिलेटेड टू बिजनेस, बट वो वहां पर कॉन्ट्रीब्यूट करता है किसी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, लाइक IIT को कॉन्ट्रीब्यूट करता है, या किसी नेशनल लेबोरेटरी को कॉन्ट्रीब्यूट करता है, या अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज या अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को कॉन्ट्रीब्यूट करता है फॉर केयरिंग स्टैटिस्टिकल रिसर्च या साइंटिफिक रिसर्च, राइट। स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी हो सकती है, साइंटिफिक रिसर्च भी हो सकती है, बट प्लीज इंपॉर्टेंट बात है ये, आउटसाइड रिसर्च के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अलाउड होते हैं ओनली इफ द असेसी इज फॉलोइंग ऑप्शनल स्कीम। अगर असेसी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है, इनकेस अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है दैट इज न्यू टैक्स स्कीम 115 BAC, तो आप आउटसाइड रिसर्च वाले एक्सपेंसिस की डिडक्शन नहीं देंगे। सिर्फ इनहाउस वाले की डिडक्शन तो दोनों ही रिजीम में मिल जाती है, ऑप्शनल स्कीम में भी और न्यू स्कीम में भी, इनहाउस तो दोनों में अलाउड है, बट आउटसाइड सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल स्कीम में अलाउड होगा और वो न्यू स्कीम में अलाउड नहीं होगा, राइट। कितना डिडक्शन मिल जाती है आउटसाइड रिसर्च में, आउटसाइड रिसर्च माइट और माइट नॉट बी रिलेटेड टू बिजनेस, 100% डिडक्शन मिल जाती है जितना भी हम अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, कुछ अप्रूव्ड कंपनीज को, IITs, नेशनल लेबोरेटरीज को, राइट। और हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल जिस समय हमने ये कॉन्ट्रीब्यूट किया था जब वो इंस्टीट्यूशन अप्रूव था, बाद में अगर उसकी अप्रूवल विड्रॉ भी हो जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें डिडक्शन मिल जाएगी बिकॉज जब हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया था वो जगह अप्रूव थी। बट प्लीज़ याद रखिएगा, आउटसाइड रिसर्च सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑप्शनल स्कीम में दी जाएगी, न्यू स्कीम में नहीं दी जाएगी। इनहाउस रिसर्च दोनों ही स्कीम में हम लोग देख सकते हैं 100% डिडक्शन मिलती है अगर हमने रेवेन्यू एक्सपेंसिस किया है या कैपिटल एक्सपेंसेस भी किया है एक्सेप्ट लैंड। आपको पता है पूरे इनकम टैक्स में लैंड के ऊपर तो कहीं पर भी डिडक्शन नहीं मिलती है, राइट। तो यानी कि असेसी ने अगर बिल्डिंग के ऊपर खर्चा किया है, मशीन्स के ऊपर खर्चा किया है, फर्नीचर के ऊपर खर्चा किया है, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया है फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस, 100% डिडक्शन मिल जाएगी एक्सेप्ट लैंड। रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी 100% अलाउड है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कमेंसमेंट से पहले कोई रेवेन्यू एक्सपेंसेस या कैपिटल एक्सपेंसेस किए थे, क्या उसकी भी डिडक्शन मिल जाती है? द आंसर इज येस, पिछले 3 साल पहले की भी डिडक्शन मिल जाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की सभी मिल जाएगी एक्सेप्ट लैंड, बट रेवेन्यू एक्सपेंसेस की सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू कोई भी एक्सपेंस जो अगर पोस्ट कमेंसमेंट है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो सारे रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउड हो जाएंगे, बट प्री कमेंसमेंट के लास्ट 3 ईयर्स के ही अलाउड हो पाएंगे, उसके बियॉन्ड तो कोई भी अलाउड नहीं होगा। लास्ट 3 ईयर्स के अलाउड हो पाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में सिर्फ और सिर्फ सैलरी और रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस ही अलाउड होते हैं, उसके अलावा कोई और प्री कमेंसमेंट अलाउड नहीं होते, करेक्ट। तो 100% डिडक्शन अलाउड हो जाती है रेवेन्यू और कैपिटल की, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स लैंड की डिडक्शन नहीं मिलेगी। 3 ईयर्स पहले आप जा सकते हैं बिफोर कमेंसमेंट, कैपिटल एक्सपेंसेस तो सभी अलाउड है एक्सेप्ट लैंड ऑब्वियसली, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस
फ्री वाले सिर्फ रॉ मटेरियल और सैलरी का खर्चा अलाउ करिएगा, वो भी विदाउट परक्विजिट, सिर्फ सैलरी, राइट, परक्विजिट्स भी अलाउड नहीं होते। बट हाँ, अगर पोस्ट कमेंसमेंट है फिर तो सभी रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी अलाउड होते हैं और 100% रिडक्शन मिल जाती है। बट अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने किया और हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होते तो सेम ट्रीटमेंट होता है जो हम अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का करते थे, सेम ट्रीटमेंट होता है अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च का भी, करेक्ट। अगर कोई भी एसेट हमने अपने साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए खरीदा था और बाद में इसको हमने या तो बेच दिया या फिर नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, तो फिर हमारा क्या ट्रीटमेंट होता है? देखिए, अगर आपने नॉर्मल बिजनेस में इसको ट्रांसफर कर दिया है तो फिर ये आपके नॉर्मल जो ब्लॉक ऑफ असेट्स होता है, जो सिमिलर टाइप ऑफ असेट्स विद सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, जैसा भी एसेट है वो उसी ब्लॉक का पार्ट बन जाता है, बट एट निल वैल्यू। प्लीज याद रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है, कि अगर आपने कभी भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट खरीदा था, ऑब्वियसली आप इसके ऊपर 100% रिडक्शन चार्ज कर चुके होंगे, और जब आप इसको अपने बिजनेस में, नॉर्मल बिजनेस में लेकर आएंगे तो आप उसको ब्लॉक में ले जाइएगा जिसको ये रिस्पेक्टिव उस ब्लॉक को बिलोंग करता है, बट एट निल वैल्यू। और बाद में अगर इसको आप बेचते हैं, यानी कि नॉर्मल बिजनेस में यूज करने के बाद आप बेचते हैं, तो सेम ट्रीटमेंट करेंगे जैसे कि हम लोगों ने सेक्शन 32 में देखा था, वहां पर एक नॉर्मल असेट बिक रहा है जो ब्लॉक का पार्ट है, राइट। बट अगर आपने इसको डायरेक्टली बेच दिया विदाउट यूजिंग इन नॉर्मल बिजनेस अगर आपने इसको बेच दिया है, तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा? तो फिर आपकी पीजीबीपी की इनकम अराइज हो जाएगी एज पर सेक्शन 41, राइट, और कभी कभी कैपिटल गेन भी आ सकता है। ये बिल्कुल ठीक सेम नंबर लाइन है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी। फॉर एग्जाम्पल, लेट से मैं अगर आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने एक साइंटिफिक रिसर्च का असेट खरीदा था, लेट से ऑफ ₹10 लाख, राइट, इसके ऊपर आपने 100% डिडक्शन भी ले ली होगी, डिडक्शन 100%, और आपकी ये वैल्यू इस समय, अब इसकी वैल्यू हो गई होगी नल, राइट। और अगर आपने इसको डायरेक्टली बेच दिया विदाउट यूजिंग इन नॉर्मल बिजनेस, तो देखिए सिंपल, मैंने आपको ये नंबर लाइन लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, अब सिंपल एक नंबर लाइन बनाइए कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 10 लाख, और इस समय इसकी जो रिटर्न ऑन वैल्यू है वो है निल, ठीक है, बिकॉज ये साइंटिफिक रिसर्च का असेट है, 100% रिडक्शन आप ले चुके हैं। तो अगर जब कभी भी इस असेट को बेचेंगे आप डायरेक्टली विदाउट यूजिंग इन नॉर्मल बिजनेस, जब आप इसको बेचेंगे, तो लेट से आपने इसको बेचा 5 लाख का, यहाँ पर इस जगह पर आ रहा है, या 6 लाख का, 7 लाख का, 8 लाख का, 9, 10 तक, अगर आपने कभी भी इसको 10 लाख रुपीज तक का जितना भी अमाउंट बेचा है, यहाँ से यहाँ तक की इनकम आपकी पीजीबीपी की इनकम कहलाई जाएगी अंडर सेक्शन 41। तो ये आपकी इनकम, इस ये एरिया आपका पीजीबीपी की इनकम का होगा, राइट। बट कभी कभी अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि हमने ये असेट बेच दिया है विच इज मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट, मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट अगर बेच दिया है, यानी कि आपने 10 लाख से भी ज्यादा का अगर बेचा है, तो इन एक्सेस ऑफ 10 लाख फिर वो हमारा कैपिटल गेन आ जाता है। कैसे कंप्यूट करते हैं? एज पर सेक्शन 50, फिर वो हमें कैपिटल गेन के चैप्टर का सारा लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपने ये एसेट बेच दिया, फॉर एग्जाम्पल 13 लाख रुपीज का, तो प्लीज बताइए इस समय WDV इसकी 0 थी, आपने इसको 13 लाख का बेच दिया, मोर देन द ओरिजिनल कॉस्ट, तो 0 से लेकर 10 लाख ये एरिया तो पीजीबीपी का एरिया आएगा, यानी कि 13 लाख का आपने बेचा है, 10 लाख तो आपकी पीजीबीपी की इनकम बनेगी अंडर सेक्शन 41, और जो 3 लाख है वो आपका कैपिटल गेन बन जाएगा। बट जरूरी नहीं है कि वो 3 लाख ही बने, वो क्योंकि डिपेंड करता है, हम कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन भी करते हैं, करेक्ट, बिकॉज अगर ये एसेट 3 साल से पहले बेच दिया गया, फिर तो शॉर्ट टर्म आने वाला है, फिर आप सिंपल बोल सकते हैं कि 13 लाख माइनस 10 लाख ये इसकी कॉस्ट है, 3 लाख रुपीज का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट अगर आपने ये असेट बेचा है, फॉर एग्जाम्पल ये लॉन्ग टर्म असेट है, ठीक है, 3 साल के बाद बेचा गया था, तो उस केस में आप अपनी इस कॉस्ट का इंडेक्सेशन भी कर लीजिएगा, तो 10 लाख का इंडेक्सेशन भी होगा, तो 13 माइनस 10 डायरेक्टली ना करके लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन भी कर लीजिएगा, तो वो आपका अमाउंट 3 लाख से कुछ कम आने वाला है। ऑब्वियसली जब आप इंडेक्सेशन करेंगे तो 10 लाख से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये इंडेक्स करके 10.8 लाख हो जाता है, 13 माइनस 10.8 लाख, दैट इज 2.2 लाख उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, करेक्ट। तो सेम ट्रीटमेंट होता है, तो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि हम लोगों ने पावर जनरेटिंग यूनिट में किया था। तो सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट डिपेंड करता है कि आपने इसको कब बेचा है, क्या आपने डायरेक्ट सेल कर दी विदाउट यूजिंग इन नॉर्मल बिजनेस, तो सेम जो अंडर मैंने आपको नंबर लाइन अभी थोड़ी देर पहले बताई है, सेम मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है, WDV से ऊपर, WDV ऑब्वियसली आपकी निल होगी इस केस में, क्योंकि आप 100% रिडक्शन क्लेम कर चुके होंगे, तो WDV से ओरिजिनल वैल्यू तक ये PGBP का एरिया आ जाता है, और ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर कैपिटल गेन आ जाता है, डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, अकॉर्डिंगली आप लोग कैपिटल गेन कंप्यूट कर दीजिएगा। बट अगर आपने इसको नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया था,
यानी कि वो ब्लॉक का पार्ट बन चुका था एट निल वैल्यू ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू जीरो थी, उसको आपने ब्लॉक का पार्ट बना दिया एट निल वैल्यू। और अब अगर इसको आप बेच रहे हैं तो बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे पार्ट ऑफ द ब्लॉक इज गेटिंग सोल्ड, राइट। सो सेक्शन 35 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। दूसरा सेक्शन होता है 35AD, अगेन एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, बट प्लीज एक बार ध्यान रखिएगा कि 35AD अगर असेसी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है, दैट इज न्यू टैक्स रिजीम वो फॉलो कर रहा है, प्लीज असेसी को 35AD की रिडक्शन नहीं मिलेगी। 35AD सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल स्कीम में आएगा, ये न्यू स्कीम में नहीं आएगा, क्लियर है। 35AD होता क्या है, तो अगर ऑप्शनल स्कीम फॉलो करे असेसी तभी आप उसको दीजिएगा, अदरवाइज मत दीजिएगा। 35AD होता है जो इतना भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं अपने स्पेसिफाइड बिजनेसेस में, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि अपने अपने फिक्स एसेट्स के ऊपर खर्चा किया, इट कुड बी योर मशीन, इट कुड बी योर बिल्डिंग और एनी अदर फिक्स एसेट्स, एनी अदर कैपिटल एसेट स्पेसिफिकली। बट कौन सा एसेट को हमने नहीं लेते हैं, हम लोग नहीं लेते हैं लैंड को, ऑब्वियसली लैंड तो कहीं पर भी डिडक्शन नहीं मिलती है, यहाँ पर गुडविल को और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो अभी आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है एक्सेप्ट लैंड, फर्स्ट लैंड, सेकेंड गुडविल, थर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, याद रहेगा। बाकी के अलावा कोई आपने मशीन खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, 100% रिडक्शन अलाउड हो जाती है इन द वेरी फर्स्ट ईयर जब आपने ये परचेज किया है, बट ऑप्शनल स्कीम में, राइट। 14 बिजनेसेस कौन कौन से हैं, दीज आर द 14 बिजनेसेस। क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन, जो बिजनेस होते हैं जैसे ऑल ओवर इंडिया अगर कोई भी गैस पाइपलाइन बिछाई गई है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, क्रॉस कंट्री अंडरग्राउंड नेचुरल गैस पाइपलाइन है, ऐसे बिजनेसेस को मिल जाएगा। सेकेंड कोल्ड चेन फैसिलिटी, जैसे कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं उनको मिल जाएगा। वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगर नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो नहीं आएगा, हाँ बट हम एक और देखते हैं बिजनेस जहाँ पर वेयर हाउस फॉर शुगर भी आ जाता है, शुगर का वेयर हाउस भी यहाँ पर कवर्ड है अलग से, 11th पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो सकते हैं, होटल 2-star और अबव कैटेगरी, हॉस्पिटल 100 beds और मोर, स्लम रीडेवलपमेंट हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, इनलैंड कंटेनर डीपो या कस्टम फ्रेट स्टेशन जिसको हम प्यार से ड्राई पोर्ट्स भी बोलते हैं, बी कीपिंग बिजनेस, वेयर हाउसिंग फॉर शुगर स्टोरेज, ठीक है, वेयर हाउसिंग फॉर अगर कुछ और स्टोरेज आ जाए जैसे एडिबल ऑयल, वो नॉन एग्रीकल्चर है उसको रिडक्शन नहीं मिलेगी, शुगर स्टोरेज को मिल जाएगी। आयरन ओर स्लरी पाइपलाइन, सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, दीज आर द 14 बिजनेसेस जिनको डिडक्शन मिल जाती है 100% रिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, और वो भी ऑप्शन स्कीम में, न्यू स्कीम में नहीं मिलेगी। तो इनकेस अगर आपने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है अपने बिजनेस कमेंस होने के बाद, फिर ऑब्वियसली मिल जाएगी, कमेंसमेंट होने से पहले भी किया है तो भी क्या मिल जाएगी, आंसर इज येस। अगर आपने इसको अपने बुक्स में कैपिटलाइज किया है तो जिस साल अपना बिजनेस कमेंस किया उस साल वो डिडक्शन ले सकते हैं। कितने साल पुरानी, 3 साल पुरानी, नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, 3 साल वाली बातें साइंटिफिक रिसर्च में थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा, यानी कि कमेंसमेंट से पहले आपने जितना भी खर्चा किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर वो आपने बुक्स में अपने कैपिटलाइज किया है तो वो डिडक्शन मिल जाती है इन द ईयर व्हेन यू आर कमेंसिंग दिस बिजनेस, राइट। बट हाँ, अगर आप सेक्शन 35AD ले रहे हैं, ऑब्वियसली ऑप्शनल स्कीम में आ रहे होंगे, अगर आप 35AD ले रहे हैं तो आपको 10AA की रिडक्शन नहीं मिलेगी। 10AA क्या होता है वो हम अपने डिडक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे। और दूसरा, जो पार्ट सी होता है डिडक्शन का, जो 80IA वगैरह वाली सीरीज होती है, उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। 80IA वगैरह वाली सीरीज हमारे सी इंटरमीडिएट में नहीं होती है, उसको सी फाइनल में पढ़ेंगे, राइट। हाँ, बट उसकी रिडक्शन फिर नहीं मिलती है अगर आप 35AD ले रहे हैं। तो 35AD अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो 10AA की रिडक्शन चैप्टर 6 होता है 80C से लेकर 80U तक। बट क्या पूरा 80C से लेकर 80U तक नहीं मिलता? नहीं, उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं जो पार्ट सी में आते हैं, 80IA IB IC इस तरह की सीरीज होती हैं जो हमारे इंटरमीडिएट में नहीं है बट फाइनल में है, वो हम वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। दूसरी बात है, अगर ऑब्वियसली अगर आपने 10,000 rupees से ज़्यादा खर्चा किया है कैश में तो वो रिडक्शन आपको नहीं मिलती है, यानी कि अगर आपने कैश में बेयरर चेक से, क्रॉस चेक से खर्चा किया है अप टू 10,000 तो मिल जाएगा, 10,000 से ज़्यादा किया तो फिर तो पूरा का पूरा वो डिडक्शन नहीं मिलेगी, करेक्ट, पूरा नहीं मिलेगा। यानी कि अगर ज़्यादा खर्चा किया होना चाहिए तो अकाउंट पे चेक से या कोई भी बैंकिंग मोड से करा होना चाहिए, ओके। आपने अगर ये असेट ट्रांसफर कर दिया अपने नॉर्मल बिजनेस में, अगर आपने पहले ही असेट पर 100% डिडक्शन क्लेम कर ली होगी और बाद में, क्योंकि हमने आपको ये डिडक्शन दी है मेनली आप इसको अपने स्पेसिफाइड बिजनेस में, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है स्पेसिफाइड बिजनेस, बट आपने पहले इसको स्पेसिफाइड बिजनेस में खरीदा और 1-2 साल के बाद ही आपने इसको अपने नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर लिया, यानी कि जो गवर्नमेंट की इंटेंशन थी आपको ये डिडक्शन देने की वो तो आपने डिफीट कर दी, तो उस केस में
अगर आपने इसको 8 साल के बाद किया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, असेट पुराना हो गया अच्छे से, आपने 8 साल यूज किया स्पेसिफाइड बिजनेस में, उसके बाद कर रहे हैं, फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम तब है अगर आप इसको 8 साल से पहले ही अपने नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर रहे हैं तो, राइट। तो अगर आपने 8 साल से पहले नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर किया तो जितनी भी आपको हमने 35 AD की डिडक्शन दी थी वो हम वापस ले लेंगे, यानी कि वो आपकी PGBP की इनकम बन जाएगी। बट ये ऑब्वियसली, हाँ आप ये बोलेंगे सर एटलीस्ट अगर आप मुझसे वो डिडक्शन वापस ले रहे हो तो कम से कम नॉर्मल बिजनेस में तो डेप्रिसिएशन तो मिलता, वो तो हमें दीजिए, तो ठीक है हम आपको डेप्रिसिएशन दे देंगे, यानी कि डीम डेप्रिसिएशन जितना साल का आपको वो मिलता डेप्रिसिएशन, वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इसका मतलब आपकी इनकम कितनी बनेगी अगर देखा जाए तो, जितना भी 35 AD की डिडक्शन आपने ली थी वो आपकी इनकम बन जाएगी, बट उस इनकम को हम रिड्यूस कर देंगे डीम्ड डेप्रिसिएशन से। जितने साल, फॉर एग्जांपल आपने 2 साल के बाद इसको ट्रांसफर किया तो 2 साल का जो डीम डेप्रिसिएशन होता है इस असेट के ऊपर वो आपको मिल जाएगा। तो PGBP कितनी बनेगा, जितना भी आपने अमाउंट क्लेम किया है 35 AD में, जितना भी आपने 2 साल पहले 3 साल पहले क्लेम करा होगा वो डिडक्शन मिल जाएगी आपकी, वो डिडक्शन आज इनकम बन जाएगी, बट उसको माइनस कर दीजिएगा डीम डेप्रिसिएशन से, राइट। और हम ये भी जानते हैं कि अगर स्पेसिफाइड बिजनेस के असेट्स, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत लार्ज स्केल बिजनेस होते हैं और इसमें हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर SSC का लॉस आ जाता है तो आप लोग जानते हैं कि लॉसेस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो नॉर्मली इंडस्ट्री ने कहना शुरू किया गवर्नमेंट से कि सर ये जो सेक्शन है आपने हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं बनाया है, क्योंकि ये जो सेक्शन है यहाँ पर तो हैवी एक्सपेंडिचर होता है और वो हैवी एक्सपेंडिचर तो हमारा 8 साल में पूरा ही नहीं हो पाएगा, तो क्या हम इसकी डिडक्शन, आप ये बोल रहे हैं कि 8 साल में मिल जाएगी, सर 8 साल में तो हमारे प्रॉफिट्स भी नहीं आते तो हम कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनकम टैक्स ने आपको इतना अच्छा प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर आपके इस वाले बिजनेसेस के लॉसेस हो जाएं तो वो आप अपने अनलिमिटेड ईयर्स तक सेट ऑफ कर सकते हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अनलिमिटेड ईयर्स, राइट। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल के बिजनेसेस थे, यहाँ पर हैवी एक्सपेंडिचर होता है जो 8 साल में शायद रिकवर भी नहीं हो पाता, यानी कि ऑल टुगेदर ये सेक्शन का पर्पज ही डिफीट हो जाता। दैट इज द रीजन यहाँ पर अनलिमिटेड ईयर्स तक के लिए आपको ये कैरी फॉरवर्ड करने की परमिशन है। बट येस, ऐसे बिजनेसेस के लॉसेस स्पेसिफाइड बिजनेस से, ये 14 की पूरी एक फैमिली है, यानी कि अगर ऐसे बिजनेस में लॉसेस आ जाएं तो वो इसी तरह के बिजनेस में से सेट ऑफ हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर होटल बिजनेस का लॉस आ जाए तो होटल से ही हो सकता है, एनी 14, ये अमंग ये फैमिली मेंबर्स हैं, ये आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, यानी कि अगर होटल में लॉसेस हो तो वो हॉस्पिटल के भी प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है, करेक्ट। तो यस, अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं बट सेट ऑफ होंगे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही। नेक्स्ट सेक्शन है 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का। ये बताऊं आपके एग्जाम में कैसे पूछ लिया जाता है, आपको एग्जाम में जैसे पीएनएल अकाउंट दिया होगा तो पीएनएल अकाउंट में ये किसी भी SSC का पीएनएल अकाउंट है, यहां पर लिखा होगा 2 preliminary expenses 1 lakh rupees और आपको लगेगा बॉस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो अलाउड होते हैं 35D में। बिल्कुल सही बात है, 35D में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं तो आप अलाउ कर देंगे। बट एक्चुअली प्लीज ये याद रखिएगा कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं ये अलाउड तो होते हैं बट ये 5 equal installments में अलाउड होते हैं, राइट। तो इसका मतलब अगर आपने 1 lakh rupees का खर्चा किया है वो 5 equal installments में डिवाइड कीजिएगा, दैट इज 1 lakh divided by 5 20,000 ईच। तो हर साल आप ये 20,000 20,000 20,000 ही अलाउ कर पाएंगे। इसका मतलब ये जो 1 lakh का एक्सपेंस हमने डेबिट किया हुआ था बहुत ही सटल तरीके से, बिल्कुल इनडायरेक्ट तरीके से वो आपको ये इस प्रोविजन में फंसाना चाहेगा एग्जामिनर, प्लीज आप लोग बिल्कुल मत फंसिएगा। तो इसमें से सिर्फ 1/5 तो हम इस साल अलाउ कर सकते हैं, यानी कि 20,000 तो इस साल अलाउ कर सकते हैं, बाकी का 80,000 बाकी के ईयर्स में करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, 20,000 20,000 20,000 करके। तो आपको क्या करना है, इसमें से 20,000 तो अलाउ रखिएगा, 80,000 को डिसअलाउ कर दीजिएगा, तो 4/5 को डिसअलाउ कर दीजिएगा, राइट, क्योंकि 5 equal installments में ही हम अलाउ कर सकते हैं। सो दिस वॉज 35D। एलिजिबल SSC ओनली रेजिडेंट SSC को मिलेगा या फिर इंडियन कंपनीज को ये डिडक्शन मिल जाती है। कितनी डिडक्शन होती है, जितना भी हमने 35D में हमें डिडक्शन मिलनी है उसका 1/5 करके मिलेगी 5 equal installments में। एलिजिबल अमाउंट कितना हो सकता है, जितना भी आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं या 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जनरली मेनली मतलब होता है जितने हमारे फिक्स असेट्स की वैल्यू है उसका टोटल असेट्स की वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं, वो हमारा कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होता है। बट सी इंटरमीडिएट में मेनली इसको कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अगर पूछ दे आप दिया भी जाएगा तो वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में गिवन होगा कि इतना अमाउंट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट था। तो अपने एक्चुअल एक्सपेंसेस को 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से कंपेयर कीजिएगा, विच एवर इज लोअर, सिर्फ उतना ही अमाउंट अलाउड होता है वो भी 5 equal installments में। तो जितना भी एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर,
प्लीज इस लोअर अमाउंट को डिवाइडेड बाय 5 करके ही अलाउ कीजिएगा, ठीक है। हाँ बट अगर ये कंपनी एसएससी है जो इंटरमीडिएट में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर ये कंपनी एसएससी है तो पहले इसका 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज मोर देखिए, फिर उसको कंपेयर कीजिए एक्चुअल एक्सपेंसेस से। तो जो भी आपके एक्चुअल नोटिफाइड एक्सपेंसेस हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर इन केस ऑफ कंपनी एसएससी 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों में से जो भी हायर हो इसको कंपेयर कीजिए अपने एक्चुअल एक्सपेंसेस से, उन दोनों में से जो भी लोअर आएगा दैट इज एन एलिजिबल अमाउंट, डिवाइड बाय 5 करके हम लोग ये डिडक्शन ले सकते हैं, राइट। तो ये हमारे नोटिफाइड एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी जब हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो हमने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई है, हमारे लीगल एक्सपेंसेस हैं, इस तरह के एक्सपेंसेस हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। या फिर अगर हम कंपनी हैं तो हमने मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वगैरह ड्राफ्ट कराए होंगे, प्रोस्पेक्टस वगैरह बनवाया होगा। अब हमारी नई कंपनी है तो हमने ROC को दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्ट्रेशन के लिए खर्चा किया होगा, ये सब हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। तो नोटिफाइड एक्सपेंसेस आर प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग द एग्रीमेंट वगैरह। और अगर कंपनी ऐसे ऐसी है तो कंपनी के कुछ स्पेसिफिक खर्चे होते हैं जैसे कि MOA और AO को प्रिंट कराना या ड्राफ्ट कराना, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, शेयर इशू एक्सपेंसेस या डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एटसेट्रा, क्योंकि ये कंपनी से रिलेटेड एक्सपेंसेस है इसलिए मैंने इसको अलग से दिखा दिया, कंपनी से रिलेटेड है तो इस तरह के खर्चे भी हो सकते हैं। बट प्लीज 35D में स्पेसिफिकली हमारे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में जो अक्सर हम लोग देखते हैं, प्लीज ये याद रखिएगा कि इसको 1/5 करके देना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है ये थोड़ा सा फेवरेट होता है एग्जामिनर का, वो इस तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करेगा, प्लीज बिल्कुल मत फंसिएगा, ओके। अच्छे से करके आना आपको पेपर, ओके। 35DDA एक छोटा सा सेक्शन है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एसएससी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में VRS स्कीम को चलाया हुआ है और कोई भी इम्प्लॉयज को ऑप्ट करता है, वो कहता है ठीक है सर मैं VRS लेता हूँ, और उसको एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा, तो कंपनी का खर्चा हो जाता है, एम्प्लॉयर का खर्चा हो जाता है, उस केस में बिजनेस का खर्चा हुआ, क्या वो खर्चा अलाउड है? आंसर इज यस, वो अलाउड है, बट उसकी रिडक्शन 1/5 करके मिलेगी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो सिमिलरली इस तरीके से ही क्वेश्चन आ सकता है कि आपको टोटल खर्चा दिया गया VRS का, उसको भी प्लीज 1/5 करके ही अलाउ कीजिएगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो अमाउंट ऑफ रिडक्शन वुड बी 1/5 ऑफ द VRS एक्सपेंस, अमलगमेशन नहीं है, VRS एक्सपेंस है, ठीक है। इसको चेंज करके VRS कर लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली एक और सेक्शन होता है 35DD, वो अमलगमेशन का होता है, बट वो हमारे कोर्स में नहीं है एक्चुअली, ठीक है, वो हमारे कोर्स में नहीं है, वो हम लोग फाइनल लेवल पर पढ़ लेंगे, वहां पर 1/5 ऑफ अमलगमेशन वाले एक्सपेंसेस सेम ट्रीटमेंट होता है, बट दीज आर फॉर VRS, ओके। नेक्स्ट इज सेक्शन 36 जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इसमें काफी सारे एक्सपेंसेस हैं जिसकी डिडक्शन हमें सेक्शन 36 में मिल जाती है। मैंने एक वहां पर लिस्ट आपको दी है, इस तरह के एक्सपेंसेस की हमें डिडक्शन मिल सकती है। फर्स्ट इज अगर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, देखिए अगर मैंने आपको बिल्डिंग का बताया था, बिल्डिंग का इंश्योरेंस पे किया है आपने जो बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो सेक्शन 30 है हमारे पास, राइट। रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीन या फर्नीचर हो तो हमारे पास सेक्शन 31, राइट। अब प्लीज बताइए क्या हम इंश्योरेंस अपने स्टॉक का करा सकते हैं जो एक्चुअली हमारा स्टॉक है? आंसर इज यस सर, हम अपने स्टॉक का, फॉर एग्जांपल किसी का कपड़े का बिजनेस है तो उसने स्टॉक का इंश्योरेंस करा लिया, स्टॉक सेक्शन 30 में कवर नहीं होगा, 31 में कवर नहीं होगा, वो यहाँ पर कवर। तो अगर आप अपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराते हैं तो यहाँ पर कवर्ड है, जो फेडरल मिल्क कॉपरेटिव सोसाइटीज हैं वो अपनी कैटल का इंश्योरेंस कराती है तो यहाँ पर कवर्ड है। और साफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है फेडरल मिल्क कॉपरेटिव सोसाइटी, ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए, बट ये स्टॉक एंड ट्रेड का इंश्योरेंस यहाँ पे कवर्ड है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने अपने इंप्लॉयज का या इनफैक्ट उनके फैमिली मेम्बर्स का भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराया है तो भी अलाउड होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जामिनर आपसे पूछता है, कैश में पे नहीं होगा, ये कैश में अगर पे हुआ है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, राइट। इट शुड बी पेड बाय एनी बैंकिंग मोड या अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, राइट, ये कैश में पे होना नहीं चाहिए। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराता है अपने कराया है अपने एम्प्लॉयज का, इवन उनके फैमिली मेंबर्स का, राइट। अगर आप बोनस या कमीशन पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, वो अलाउड होता है, बट दिस बोनस शुड नॉट बी इन लीव ऑफ डिविडेंड। ऐसा नहीं कि आपको डिविडेंड पे करना था उसके बदले आपने बोनस पे कर दिया, दैट इज नॉट अलाउड, क्योंकि डिविडेंड देना तो एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, दैट शुड नॉट बी एन एलिजिबल एक्सपेंसेस, वो डिडक्शन नहीं मिलती है। बट यस, बोनस या कमीशन टू एम्प्लॉयज मिल जाएगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 36,
बट ये सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको अदर सेक्शंस। 43B हम लोग जानते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसका रेफरेंस दिया था आपको कि 43B एक सेक्शन है जो कहता है कि सम एक्सपेंसेस आर अलाउड ओनली व्हेन दे आर एक्चुअली पेड। अगर वो पे हो गए हैं कब तक, अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक पे हो गए हैं तभी वो अलाउड होते हैं। तो बोनस और कमीशन पे करना इंप्लॉयज को अलाउड होता है सब्जेक्ट टू 43B, अगर ये एक्चुअली पे हो गया हो अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, राइट। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, अगर आपने लोन लिया है, आपने किसी बैंक से लोन लिया है या किसी और से लोन लिया है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो दैट इंटरेस्ट इज अलाउड, बट दैट शुड बी फॉर योर बिजनेस पर्पस। इवन डिबेंचर्स के ऊपर या बॉन्ड्स के ऊपर अगर इंटरेस्ट है तो ऐसा डिबेंचर इंटरेस्ट या बॉन्ड्स का इंटरेस्ट भी अलाउड होता है अंडर सेक्शन 36। बट यस, अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो वो अलाउड होता है अंडर सेक्शन 36, बट यस सब्जेक्ट टू अगेन 43B। अगर आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो ये पैसे पे हो जाने चाहिए अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, अगर ये आपने पे नहीं किए हैं ड्यू डेट ऑफ आरओआई तो अलाउड नहीं होता। किसी और से लोन लिया है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 43B फिर कुछ नहीं बोलेगा। 43B कहता है कि अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक वगैरह से लोन लिया है इंक्लूडिंग NBFC, तो तभी अलाउड है जब आपने ये एक्चुअली पे कर दिया अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, राइट। और हाँ, अगर आपने कोई असेट खरीदने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने कोई असेट खरीदने के लिए लोन लिया है तो क्या ऐसा इंटरेस्ट भी अलाउड होता है? द आंसर इज येस। बट येस, जब तक वो असेट पुट टू यूज नहीं हुआ, जब तक वो असेट पुट टू यूज नहीं हुआ उस पीरियड तक का लोन कैपिटलाइज होता है, उसके ऊपर हम डिडक्शन 36 में नहीं लेंगे। उस पीरियड तक, जब तक अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज, प्लीज उसको अपने असेट की वैल्यू में ऐड करिएगा, कैपिटलाइज करते हैं उसके ऊपर, डेप्रिसिएशन लेंगे। बट हाँ, जब असेट पुट टू यूज हो चुका है उसके बाद का इंटरेस्ट, दैट इज अलाउड अंडर सेक्शन 36, राइट। तो अगर पुट टू यूज वगैरह के बारे में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हो तो नॉर्मल इंटरेस्ट मानिएगा, मानिएगा नॉर्मल इंटरेस्ट है, 36 में अलाउ कर दीजिएगा। बट अगर ऐसी डेट दी गई होगी आपको कि असेट के लिए लिया गया था, असेट की परचेज डेट ये थी, पुट टू यूज डेट ये थी और आपने लोन इससे पहले लिया था, जब तक का आपका असेट पुट टू यूज नहीं हुआ है तब तक प्लीज उसको कैपिटलाइज कर दीजिएगा। और अगर हाँ, क्वेश्चन में परचेज डेट भी दी हो और पुट टू यूज भी डेट दी हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट परचेज डेट दी है, पुट टू यूज डेट नहीं दी है उस केस में, अगर इन केस पुट टू यूज डेट नहीं दी है तो फिर आप अपनी अजम्पशन ले सकते हैं कि जो परचेज डेट होती है जनरली वही पुट टू यूज भी डेट ले सकते हैं आप अपनी अजम्पशन, राइट। बट प्लीज पुट टू यूज से पहले वाला जो इंटरेस्ट है उसको कैपिटलाइज कीजिएगा, उसको सेक्शन 36 में अलाउ मत करना, ठीक है, ओके। जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं ऐसे बॉन्ड्स हमने इशू किए हैं कंपनी ने जिसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं आता, बट एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि इसमें इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। कैसे? क्योंकि हम इसको इशू करते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर और रिडीम करते हैं इसकी फेस वैल्यू पर, तो यानी कि जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअली इंटरेस्ट होता है पूरे पीरियड का, जितने टाइम तक ये इशू रहे थे, राइट। तो वो हम उस पूरा इंटरेस्ट को, यानी कि जो उसका रिडम्पशन वैल्यू है माइनस इशू प्राइस, वो इंटरेस्ट होता है उस पूरे पीरियड का। तो जितने भी, फॉर एग्जाम्पल, 5 साल के लिए आपने इशू करे हैं बॉन्ड या 10 साल के लिए, 20 साल के लिए किए हैं, तो प्लीज आप वो इंटरेस्ट को बाइफर्केट कर दीजिएगा, प्रोपोर्शनेट लीजिएगा कि हमारे पीरियड में कितना आ रहा है। तो हमेशा जीरो कूपन बॉन्ड का जो इंटरेस्ट होता है, जिसको हम डिस्काउंट भी बोल देते हैं, स्प्रेड कर दीजिएगा लाइफ ऑफ द बॉन्ड्स पर, और जितना हमारे वाले पीरियड में उसकी लाइफ आ रही है उतना ही हम डिडक्शन उसको अलाउ कर सकते हैं। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड या रिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड या सुपर एनुएशन फंड या ग्रेटुटी फंड, अगर ये अप्रूव्ड है या फिर रिकोगनाइज है या स्टैट्यूटरी है तो आप ये रिडक्शन ले सकते हैं। तो अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा है टू अप्रूव्ड या स्टैट्यूटरी या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड या ग्रेटुटी फंड, ये खर्चा भी, बिकॉज एम्प्लॉयर ओवर एंड अबव देयर सैलरी वो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, वो आपके PF अकाउंट में ये पैसे दे रहा है, वहां पर जमा करा रहा है, तो ये खर्चा भी अलाउड होता है सेक्शन 36 में। बट प्लीज ध्यान रखिएगा, यहां पर भी सेक्शन 43B लग जाता है, यानी कि जब एम्प्लॉयर ये पैसे डिपॉजिट करा है उस फंड में, ठीक है, तो उसको एक्चुअली ये डिपॉजिट करा देने चाहिए अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, याद है। और इससे एक और पॉइंट निकलता है, जो इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, जो इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, अगर ये इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वो अपने पास रख लेता है तो उसको जल्दी से जल्दी इसको डिपॉजिट कर देना चाहिए इम्प्लॉयर को। क्योंकि होता क्या, जब हम अपने इम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं तो हम उसको पूरी सैलरी पे नहीं करते, उसकी सैलरी में से कुछ डिडक्शन रख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। तो वो कुछ टाइम के लिए तो एम्प्लॉयर के पास वो पैसा रहता है, बट उसको ये पैसा जल्दी से जल्दी जमा कर देना चाहिए PF अकाउंट में, राइट, या फिर कोई भी वो सुपर अप्रूव्ड फंड है वहां पर, उस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देना चाहिए, क्योंकि उसका पैसा नहीं है, उसके एम्प्लॉय का पैसा है। बट अगर वो उसको ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं करता, और प्लीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ड्यू डेट होती है, जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, ये बात याद रखिएगा,
जो इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो हमें जल्दी से जल्दी जमा करा देना चाहिए। कब तक जमा करा देना चाहिए? वो जो पर्टिकुलर फंड की जो ड्यू डेट, फंड की यहाँ पे आरओआई की ड्यू डेट नहीं देखनी होती है। यहाँ पर देखिए बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, जो इम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो तो इम्प्लॉयर का पैसा है, चलो हमने इसको थोड़ा टाइम दे दिया, आरओआई की ड्यू डेट तक आप डिपॉजिट करा दीजिए। आरओआई की ड्यू डेट क्या होती है जनरली आपको पता है, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, कुछ लोगों के लिए 30 नवंबर भी होती है, बट वो हम इंटरमीडिएट में नहीं करते। मेनली हमारे पास इंटरमीडिएट में दो ड्यू डेट है, जो मैं आपको रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर में रिवाइज कराऊंगा। 31 जुलाई 31 अक्टूबर तक आप ये पैसा डिपॉजिट करा दीजिए। बट जो इम्प्लॉय का पैसा है वो आपका पैसा नहीं है इम्प्लॉयर, इसलिए आप उसको बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते। उसको आप उस रिस्पेक्टिव, अगर वो पीएफ अकाउंट है तो पीएफ की जो ड्यू डेट होती है वहां तक इसको जमा करा दीजिएगा। अगर आपने इसको जमा नहीं कराया फिर हम आपकी हमेशा वो इनकम बनाए रखेंगे। अगर आपने उसके बाद जमा कराया तो भी वो हम आपकी उसको इनकम ही बनाएंगे, फिर आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, राइट। और इसकी ड्यू डेट क्या होती है, जनरली आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी, बट जनरली अगर मैं पीएफ की बातें करूं तो पीएफ की ड्यू डेट होती है जिस भी मंथ का ये पीएफ है उसके अगले महीने की 15 तारीख तक, उसके अगले महीने की 15 तारीख तक डेट होती है। पहले इसमें 5 दिन ऑफ ग्रेस के और भी मिलते थे, पर अब ऐसा नहीं है, अगले महीने की 15 तारीख, यानी कि अगर ये मार्च 2024 का पीएफ है तो ये पैसा जमा हो जाना चाहिए अगले महीने की 15 तारीख तक, यानी कि 15 अप्रैल तक। अगर 15 अप्रैल के बाद जमा हुआ तो फिर ये हमेशा हमारी इनकम बनी रहेगी, राइट। ओके, 6.1 और स्किप मैंने कर दिया था अभी, इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, क्योंकि अब आपको पता है कि पेंशन स्कीम भी फ्लोट हो चुकी है, तो अगर पेंशन स्कीम में इम्प्लॉयर डिपॉजिट कराता है तो ये भी अलाउड होता है, ठीक है, ये भी अलाउड होता है, अगेन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43 भी, ठीक है, ये पैसे डिपॉजिट हो जाने चाहिए अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। दूसरी इसमें एक और अपनी एक इंटरनल लिमिट भी होती है, 10% ऑफ सैलरी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बात इंपॉर्टेंट है, शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ सैलरी। जितना भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करा रहा है टू पेंशन स्कीम, अगर वो सैलरी के 10% से ज्यादा है, इन एक्सेस ऑफ 10% वो डिसअलाउ कर दीजिएगा, सिर्फ उतना अलाउ होगा जितना 10% ऑफ सैलरी है। और सैलरी का मतलब यहाँ पर होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, राइट। तो जितनी भी इंप्लॉयज की हमारी सैलरी है, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, उतना ये कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड होता है पेंशन स्कीम का। 10% से ज्यादा है तो जितना एक्सेस है वो डिसअलाउ कर देना, राइट। लॉस ऑफ एनिमल, अगर फॉर एग्जाम्पल जब कभी भी हम लोग अपने बिजनेस के लिए कोई लाइफ स्टॉक खरीदते हैं या एनिमल खरीदते हैं तो एंट्री क्या करते हैं कि हमने लाइफ स्टॉक खरीदा, लाइफ स्टॉक डेबिट टू बैंक अकाउंट, कोई हमें उस समय डिडक्शन नहीं मिलती है। बट अगर हाँ ये लाइफ स्टॉक की डेथ हो जाती है या परमानेंटली यूजलेस हो जाता है तो हमारा नुकसान हो जाता है, तो उस ईयर में जब वो परमानेंटली यूजलेस हो गया या उसकी डेथ हो गई है, उस केस में जितना भी आपका खर्चा हुआ था वो अपना लॉस आप उस ईयर में बुक कर सकते हैं। बट यस, अगर आपकी कोई रिकवरी हो जाती है, फॉर एग्जांपल उसकी बॉडी को बेचकर, कारकेसिस को बेचकर अगर कोई रिकवरी हो जाती है तो आपका उतना लॉस कम हो जाएगा। तो हम कितना लॉस बुक कर सकते हैं, जितने भी कॉस्ट ऑफ एनिमल थी माइनस एनी अमाउंट रिकवर्ड, नेट लॉस जो हमारा आ रहा है वो हम रिडक्शन ले सकते हैं। दूसरा काफी इंपॉर्टेंट होता है बेड डेट्स, अगर आपके बेड डेट्स हो जाते हैं, एसएससी के बेड डेट्स हो जाते हैं बिजनेस में तो वो अलाउड है। बेड डेट शुड बी एक्चुअली रिटर्न ऑफ, यानी कि डेटर्स हमने राइट ऑफ कर दिए हैं उसको हम कहते हैं एक्चुअल बेड डेट्स, दैट इज अलाउड। बट अगर आपने प्रोविजन बनाया है डाउटफुल डेट्स का, अगर आपने प्रोविजन बनाया अभी वो आपने राइट ऑफ नहीं करें, सिर्फ प्रोविजन बनाया है, प्लीज ये एग्जामिनर का फेवरेट रहता है, वो बोलता है आपके डेबिट साइड में दे देगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसको अलाउ मत करिए। एक्चुअल बैड डेट्स विच इज एक्चुअली रिटर्न ऑफ, जिससे हमारे डेटर्स एक्चुअली कम हुए, हमने डेटर्स को राइट ऑफ किया तभी हम उसको बैड डेट्स मानते हैं, दैट इज अलाउड, राइट। रिकवरी ऑफ बैड डेट हो जाती है हम सेक्शन 41 में पढ़ेंगे, अगर हमने बैड डेट्स को अलाउ किया था वो हमने रिडक्शन मान लिया था, फिर बाद में जाकर उसकी रिकवरी हो जाती है उस बैड डेट की जो ऑलरेडी हम रिडक्शन ले चुके हैं, जब उसकी रिकवरी हो जाती है तब हम इसको अपनी इनकम बनाते हैं सेक्शन 41 में। ये बातें मैं आपको 41 में भी करूँ, ठीक है, बट हाँ 41 में वही इनकम बनती है जो एक्चुअली आपने कभी ना कभी पहले डिडक्शन ली थी। अगर फॉर एग्जांपल पहले कोई डिडक्शन नहीं ली थी फिर आपकी इनकम भी नहीं बनेगी, वो तभी इनकम बनती है जब आपने पहले उसकी डिडक्शन ली थी, राइट। वो बातें हम 41 में पढ़ेंगे। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, ये फैमिली प्लानिंग वाला एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ कंपनी एसएससी के लिए होता है, बाकी किसी और के लिए नहीं है। वैसे भी अब आजकल ये सारी खर्चे होते नहीं है, बहुत पहले हुआ करते थे, जिस समय मिसेस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी उन्होंने एक चलाया था एक कैंपेन की पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, तो उस समय ये बोला गया था कंपनीज से कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट कीजिए या फिर उनके ऊपर खर्चा कीजिए, तो वहाँ पर
एक्चुअली एम्प्लॉयर्स ने खर्चा किया था, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया गया था जिससे कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल हो सके। तो ये खर्चा प्रैक्टिकली अब होता नहीं है, बट फिर भी अभी तक ये चला आ रहा है। अगर कोई भी कंपनी फैमिली प्लानिंग के ऊपर एक्सपेंसेस करती है तो उसके लिए अलाउ करिएगा वो एक्सपेंसेस। प्लीज़ याद रखिएगा, अगर आपका एसएससी अदर देन कंपनी है तो उसके ऊपर ये खर्चा अलाउ मत कीजिएगा। तो ऐसा प्लीज़ ऐसा ना सोचिए कि जैसे ही फैमिली प्लानिंग का नाम आया आप अलाउ कर देंगे। आपको क्वेश्चन आ गया, ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए का पीएनएल अकाउंट दिया हुआ यानी कि इंडिविजुअल का, और इंडिविजुअल के अकाउंट में लिखा हुआ है कि फैमिली प्लानिंग के ऊपर खर्चा हुआ, प्लीज इसको अलाउ मत करिएगा, प्लीज उसको अलाउ मत करिएगा। दैट इज ओनली फॉर कंपनी एसएससी, वो सिर्फ कंपनी एसएससी के लिए अलाउ रहता है, किसी और एसएससी के लिए नहीं रहता है, राइट। तो कंपनी एसएससी के बारे में और भी बातें समझ लीजिएगा। अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं तो हम उसको अलाउ करते हैं, बट उसको 100% अलाउ करते हैं, बट अगर वो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं तो 1/5 अलाउ करते हैं। हुआ क्या था उस समय, ठीक है, मैं आपको 1970s वगैरह के बाद के आसपास की बातें बता रहा हूँ। तो हुआ क्या था उस समय, कंपनीज को बोला गया था कि आपके यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं, उनको एजुकेट कीजिए, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कराइए, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट आप लोग समझते हैं कैसे होता है ये, ठीक है, जिसको हिंदी में नसबंदी भी बोलते हैं। तो उस समय कंपनीज ने अपने यहाँ पर एक छोटा सा क्लिनिक या हॉस्पिटल टाइप बनाया था, और वहाँ पर वो अपने एम्प्लॉयज़ का मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराती थी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने वो छोटा सा क्लिनिक या 2-3 रूम्स बनाए एज अ हॉस्पिटल, छोटा सा हॉस्पिटल। तो वो खर्चा क्या हुआ, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर 1/5 अलाउड होता है, और जो डे टू डे नॉर्मल खर्चा होता है, जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, जैसे डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, उनको सैलरी दी जाती है, या और भी जो खर्चा होता है दवाई वगैरह के ऊपर, दैट इज 100% अलाउड, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस माना जाता है। बट प्लीज कंपनी एसएससी को दीजिएगा, नॉन कंपनी एसएससी को मत दीजिएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस 100% अलाउड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1/5 अलाउड। बट यस, अगर कोई ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ और हमारे पास प्रॉफिट सफिशियंट नहीं है, तो सेम ट्रीटमेंट करते हैं जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का होता है। तो तीन चीजों का सेम ट्रीटमेंट होता है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, अनअब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। वो सिर्फ तभी अलाउड होते हैं जब हमारे पास इस साल प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं। अगर हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है, फिर हम इसको अलाउ नहीं करते, ठीक है, फिर हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। और ये आपको पता है तीनों ही चीजें आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं अनलिमिटेड ईयर्स तक, राइट। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स या कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स या कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होता है, जैसे मैं एसटीटी के बारे में बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज पर, शेयर्स की डीलिंग करते हैं, सेल या परचेज करते हैं, तो उस समय कुछ टैक्स वहां पे स्टॉक एक्सचेंज आपके ऊपर लगाती हैं। तो ये वाला हमारा खर्चा होता है, तो ये अलाउड होता है प्रोवाइडेड आपका ये बिजनेस हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर है, आपने कोई शेयर्स खरीदे फिर बेचे और आपके ऊपर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लग गया है, तो फिर वो इनकम आपकी कैपिटल गेन की होती है, बिकॉज आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर है। और हम कैपिटल गेन में देखते हैं कि एसटीडी एक अलाउेबल एक्सपेंस नहीं होता, यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स अलाउड नहीं होता अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, आपकी एक कैपिटल गेन की इनकम है। बट इन केस फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्रोकर हैं और ये आपकी आपकी रेगुलर इनकम है, या फिर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग का मतलब सेम डे इंट्रा डे ट्रेडिंग होती है, तो वो भी हमारी स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, आपको पता है वो मानी जाती है, और एसटीटी वहां पर अलाउड होगा अगर ये आपकी बिजनेस इनकम है। तो मेनली बिजनेस इनकम किसकी होती है, जो लोग इसमें डील करते हैं यानी कि ब्रोकर्स की, उनके लिए एसटीटी अलाउड है, और दूसरे लोग उनके लिए होती है जो इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, जो इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं, सेम डे खरीदा सेम डे बेचा, राइट। जहाँ पर आपको बताया कि शेयर्स की सेटलमेंट नहीं होती, वो सेम डे बेचते हैं, सेम डे खरीदते हैं, सेम डे बेचते हैं, वो इंट्राडे ट्रेडिंग कहला जाता है, वो एक स्पेकुलेटिव बिजनेस है। तो उसकी भी इनकम, उससे रिलेटेड अगर खर्चा आपने एसटीटी का किया, यानी कि कुल मिलाकर अगर ये आपकी पीजीबीपी की इनकम बन रही है, तो ये एसटीटी या सीटीटी कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स या सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स अलाउड होते हैं। बट अगर ये आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, फिर ये खर्चा अलाउड नहीं होता, हम ये क्या बातें कैपिटल गेन में भी पड़ेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेक्शन इज 37, जनरल डिडक्शन। अभी तक हमने जितने भी एक्सपेंसेस पढ़े थे, वहां पर हमने देखा कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक्सपेंस किसी ना किसी के बारे में था। जैसे हमने 30 देखा, वहां पे बिल्डिंग्स रिलेटेड एक्सपेंसेस थे। 31 देखा, रिपेयर्स और इंश्योरेंस था। 32 देखा, डेप्रिशिएशन, स्पेसिफिक खर्चे थे। बट 37 एक जनरल डिडक्शन होती है। यहाँ पर सिर्फ कुछ कंडीशन बताई गई हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो वो खर्चा अलाउड है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली एक्सपेंस नहीं लिखे। हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल्स बता दूंगा कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो 37 में अलाउड होते हैं, बट लॉ ने सिर्फ 37 में कुछ कंडीशंस दी हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है उस पर्टिकुलर एक्सपेंस के ऊपर, तो वो एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मेजरली
मोर देन 90% एक्सपेंसेस तो 37 में ही अलाउ होते हैं प्रैक्टिकल। कंडीशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले कंडीशन है कि आपने जो भी एक्सपेंस जो आपने 37 में अलाउ करना चाहते हो, अगर उसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन बना हुआ है, स्पेसिफिक सेक्शन मतलब 30 से लेकर 36 में वो ऑलरेडी कवर्ड था, 30 से लेकर एनी वेयर बिटवीन 30 to 36 में कहीं पर भी कवर्ड था, तो प्लीज उसको 37 में मत लाइएगा, बिकॉज 37 इज अ जनरल सेक्शन। अगर किसी भी सेक्शन के लिए स्पेसिफिक लॉ बना हुआ है, आप लोग हमेशा जानते हैं कि स्पेसिफिक प्रोविजन ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल प्रोविजन, तो अगर किसी चीज के ऊपर स्पेसिफिक लॉ बना हुआ है तो उसको स्पेसिफिक सेक्शन में लाइए, उसको फिर 37 जनरल सेक्शन में मत लाइए। तो फर्स्ट कंडीशन है कि वो एक्सपेंस जो आप 37 में अलाउ करना चाहते हैं पर उसको चेक कर लीजिए कहीं उसके लिए स्पेसिफिक लॉ तो नहीं है। दूसरी चीज, वो एक्सपेंस आपके बिजनेस नेचर का होना चाहिए, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, राइट? इट शुड बी फॉर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस। थर्ड इज वो आपके एक रेवेन्यू एक्सपेंस हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं अलाउ करते 37 में, इट शुड बी अ रेवेन्यू इन नेचर, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। और लास्ट और इंपॉर्टेंट है कि वो एक्सपेंस इलीगल नहीं होना चाहिए, वो एक्सपेंस इलीगल या प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अगर वो इलीगल है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू कोई कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ है, तो आप वो खर्चा अलाउ नहीं करते हैं। तो कुछ एक्सपेंसेस हैं जो 37 में कवर्ड हो जाते हैं, जैसे कि परचेजेस करना। देखो, परचेजेस एक मेजर एक्सपेंस होता है किसी भी बिजनेस का, और हम लोग इसको 30 से लेकर 36 में हम कहीं नहीं पढ़ते, तो ये खर्चा अलाउड होता है 37 में, क्योंकि ये सारी कंडीशंस के ऊपर सेटिस्फाइड होती हैं। सैलरी देना अपने एम्प्लॉयज को, बोनस देना तो 36 में था, बट सैलरी देना कहीं पर भी नहीं था, वो 37 में अलाउड होता है, सारी कंडीशंस पे सेटिस्फाइड होती है। एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ठीक है, बट प्लीज ध्यान दीजिएगा वो एडवर्टीजमेंट कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, जीएसटी दिया, कस्टम ड्यूटी दी, वो भी अलाउड होता है, क्योंकि वो भी आपके डे टू डे खर्चे हैं अपने बिजनेस के, तो ये भी अलाउड होता है। बट यस, दिस इज एनी टाइप ऑफ टैक्स, जीएसटी या कस्टम ड्यूटी एनी टाइप ऑफ टैक्स है, तो इसके ऊपर सेक्शन 43B के भी प्रोविजंस लग जाते हैं। 43B यानी कि दे आर अलाउड इफ दे आर एक्चुअली पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। बोनस के इशू एक्सपेंसेस, अगर बोनस इशू एक्सपेंसेस है वहां पर आपका मेनली ये कैपिटल, कुछ लोगों का यहाँ पर मानना था, ये एक्चुअली मैंने यहाँ पर क्यों लिखा हुआ, क्योंकि इसके ऊपर कोर्ट केसेस थे काफी, यहाँ पर इंडस्ट्री में डिस्प्यूट था कि वो कहते थे खर्चा अलाउड होना चाहिए, ए मना कर देता था क्योंकि ये तो आपके शेयर इशू एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, तो ये तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट वहां पर कोर्ट ने बोला कि जब बोनस इशू करते हो तो आपका कैपिटल बेस नहीं बढ़ता है, राइट? क्योंकि बोनस कैसे इशू होता है, अपने रिजर्व्स, तो आपका कैपिटल बेस नहीं बढ़ता है, तो बोनस इशू एक्सपेंसेस आर ट्रेटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। हाँ, बट अगर आप दूसरे फ्रेश इशू कर रहे हो या आईपीओ लेकर आ रहे हो या एफपीओ लेकर आते हो, आ रहे हो फॉरन पब्लिक ऑफर, या फिर राइट शेयर्स इशू कर रहे हो, उन सब से आपका कैपिटल बेस इंक्रीज होता है, वो एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे क्योंकि वो कैपिटल नेचर के हैं। पर प्लीज याद रखिएगा, बोनस इशू एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, बट दूसरे जो शेयर्स, अगर आप नॉर्मल नए शेयर्स इशू कर रहे हो या फर्दर पब्लिक इशू लेकर आ रहे हो, एफपीओ लेकर आ रहे हो, या फिर राइट शेयर्स इशू कर रहे हो, वो एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होते, सिर्फ बोनस इशू एक्सपेंसेस अलाउड होंगे, क्योंकि यहां पर आपका कैपिटल बेस इंक्रीज नहीं होता है, राइट? टेलीफोन एक्सपेंसेस होते हैं, इंटरनेट एक्सपेंसेस होते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा, फेस्टिवल एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये बिजनेस नेचर के होते हैं, स्टाफ वेलफेयर हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें अपने एम्प्लॉयज को भी प्रोडक्टिव रखना है, उनको फॉर एग्जांपल आउटिंग के लिए ले गए हैं हम, कहीं पर भी उनको घुमाने के लिए लेकर गए हैं, जिससे कि आगे वो बिल्कुल फ्रेश हो जाए इतना काम करने के बाद, फिर दोबारा से री एनर्जाइज हो सके, तो ये सब एक्सपेंसेस हमारे अलाउड होते हैं। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का हमने खर्चा किया, इट्स एन अलाउएबल एक्सपेंस। और हाँ, आपको पता है जब इसके पैसे मिलते भी हैं तो भी ये पीजीबीपी की इनकम बनती है, अगर एम्प्लॉयर को मिले, अगर हमने इसको पैसे एम्प्लॉय को दे दिया तो उसकी सैलरी इनकम बनेगी, अगर अदर पर्सन को दिया गया, उसके फैमिली मेंबर को दिया गया, तो आईएफओएस बनेगा, राइट? ध्यान दीजिएगा ये दोनों बातें, सीएसआर एक्सपेंसेस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारा कंपनी लॉ ये कहता है कुछ कंपनीज को जो मिनिमम उनका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, ठीक है, उनके टर्नओवर बेस से, उनके नेटवर्थ के बेस से, ठीक है, तो वो हमें नहीं करना कि किस किस के ऊपर सीएसआर के प्रोविजंस लगते हैं। बट यस, यू नो कि आपने कंपनीज एक्ट में ये बातें पढ़ी होंगी, तो कंपनी लॉ ये कहता है कि कुछ कंपनीज को सीएसआर एक्सपेंसेस करना जरूरी है, तो वो कंपनी सीएसआर एक्सपेंसेस करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के खर्चे करती हैं। बट यहाँ पर दोनों लॉ में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, इनकम टैक्स कहेगा वो हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, कंपनी लॉ ये कहता है कि खर्चा करो, बट इनकम टैक्स मना कर देता है। इनकम टैक्स मना इसलिए कर देता है क्योंकि सीएसआर एक्सपेंसेस के लिए 30 से लेकर 36 में कहीं भी प्रोविजंस नहीं है, और 37 में एक बात लिखी हुई है, इट शुड बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, क्योंकि हम सोसाइटी के लिए करते हैं, हमारे बिजनेस के लिए नहीं है, इसलिए 37 में भी अलाउड नहीं होते, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा, इवन एमसीक्यू भी इसके ऊपर आ सकता है। तो अगर आपने सीएसआर के ऊपर खर्चा किया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंसेस हैं, वो अलाउ नहीं होते हैं। दूसरे, अगर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ कंपनीज क्या कर रही थी, वो इनको
अपनी जो दवाई बनाने वाली कंपनी होती थी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, डॉक्टर्स को एक तरीके से अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही थी। वो इनको घुमाने के लिए भेज देते थे कि आप हम लोग आपको आपको और आपकी फैमिली के साथ आप 6 दिन के लिए 7 दिन के लिए आप जा सकते हो घूमने के लिए, दुबई जा चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, या फिर इनको वो गिफ्ट दे देते दे थे। और वो कहते थे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये कहना था कि वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा कर रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इंटर्न वो डॉक्टर्स उनकी फिर उनकी कंपनीज की दवाई रिकमेंड करते थे। बट यहाँ पर मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि ये अनफेयर प्रैक्टिस है, ये अनफेयर प्रैक्टिस है, दिस इज नॉट एथिकल, इसीलिए ये खर्चा यहाँ पर फिर सर्कुलर आया कि ये खर्चा हम अलाउ नहीं करेंगे। जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी इस तरह के खर्चे दिखा रही है एज एन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, वो इंसेंटिव दे रही है, फ्रीबीज गिफ्ट दे रही है डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, ये खर्चा अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन है 37(2)(b), ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर ये लिखा होता है कि अगर आपने कंट्रीब्यूशन करा पॉलिटिकल पार्टी, जैसे पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर्स में, पैम्पलेट्स में, कैटलॉग्स में अगर आप एडवर्टीजमेंट देते हैं तो वो खर्चा अलाउड नहीं होता, वो खर्चा अलाउड नहीं होगा अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर खर्चा किया है तो। हाँ, हम ये बात देखेंगे कि अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन देते हो पॉलिटिकल पार्टी को, इलेक्टोरल ट्रस्ट को, वो डिडक्शन का चैप्टर आएगा, TAT, GG, BGGC कुछ सेक्शंस हैं वहाँ पर, हम देखेंगे कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को आप कंट्रीब्यूशन देते हो तो वहाँ पर डिडक्शन अलाउड होती है, बट वो आप अपना PGBP एक्सपेंस नहीं मान सकते। तो अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करा है या फिर कोई एडवर्टीजमेंट का पैसा दिया है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज योर PGBP एक्सपेंस, वो हम आपका खर्चा नहीं मानेंगे। लास्ट है सेक्शन 38, प्रोपोर्शनल डिडक्शन। प्रोपोर्शनल डिडक्शन होती है कि अगर जितने भी हमने एक्सपेंसेस की बातें की, जैसे सेक्शन 30 था, 31 था, फॉर एग्जांपल जैसे 30 में मानता हूँ कि वहाँ पर था रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल आपने अपने बिल्डिंग का रेंट पे करा है, बट वो बिल्डिंग 50% बिजनेस के लिए यूज़ होती है और 50% पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, तो वो खर्चा सिर्फ हम इतना ही अलाउ करेंगे जितना रिलेटेड टू बिजनेस, यानी कि प्रोपोर्शनल डिडक्शन। और इनफैक्ट ये बातें सारे सेक्शंस जो हमारे 30 से लेकर 37 है सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 38। फॉर एग्जांपल आपने कुछ परचेजेस किए, आपने कुछ परचेज किया, परचेज करने का खर्चा 37 में अलाउड है, बट हाँ उसमें से 20% परचेज आपके पर्सनल नेचर की थी, 80% ही आपके बिजनेस के नेचर की थी, तो हम सिर्फ 80% ही अलाउ करते हैं। दैट इज 38 से सिंपल सेक्शन है, जितना खर्चा आपके बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड है हम सिर्फ उतने ही अलाउ करेंगे, जो अदर पर्पज के लिए है या पर्सनल पर्पज के लिए है वो हम अलाउ नहीं करेंगे। सो दिस इज सेक्शन 38। तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट खत्म होता है, मेन पार्ट है ही हमारा, कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं व्हाइल कंप्यूटिंग योर PGBP इनकम। तो हमने ये सारे सेक्शंस डिस्कस करे हैं, दिस पार्ट, राइट, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में डिस्कस किया, स्पेसिफाइड बिजनेस याद आ गया, 14 टाइप्स ऑफ बिजनेस कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड, 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1/5 करके आप, और से DDAV VRS एक्सपेंसेस भी 1/5 करके ही आप लोग यहाँ पर डिडक्शन देंगे। सेक्शन 36 अदर डिडक्शंस की हमने लिस्ट देखी, बोनस या कमीशन टू एम्प्लॉई, इंटरेस्ट है, बैड डेट्स है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, बट पेंशन स्कीम याद रखिएगा 10% से ज्यादा मत देना ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट, राइट। 37 देखा अभी हमने, जनरल डिडक्शन जहाँ पर वो कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड होती हैं, 4 conditions तो हम अलाउ करेंगे, अदरवाइज अलाउ नहीं करेंगे। 38 इज प्रोपोर्शनल डिडक्शन, राइट। आज की क्लास में यहाँ तक ही रखते हैं, फिर हम बाकी बातें अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, डिडक्शंस नॉट अलाउड, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।